अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमएमआर किचन में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाएंगे चिकन काढ़ी, जिसको चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। तो चलिए, हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। 2 चम्मच नमक, कड़ी पत्ते, 1/2 कप दही, 2 बड़े चम्मच मिर्ची की भुक्की का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया, 1 कप काढ़ी का मसाला, 3 बड़े कटे हुए टमाटर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और इमली का पल्प, 1 बड़ा नारियल खुरचा हुआ, 1 किलो चिकन और 1 कप तेल। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नारियल को पीस के लेते हैं, उसका अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये गीला नारियल है, इसको हमने खुरच के ले लिया है। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे। और इसको अच्छे से पीस लेंगे। हमारा पेस्ट रेडी हो गया, अब इसे हम छान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये काढ़ी में हमें खोपरे के दूध का ही पानी इस्तेमाल करने का है, एक्स्ट्रा पानी कोई भी नहीं आएगा इसमें। हमें बस इसे पीसते जाना है और इसे छान के इसका पानी निकालते जाना है। और अब इसे हम इसे अच्छे से छान लेंगे। फिर एक बार इसे ग्राइंड करके पानी निकाल लेंगे इसका। हमें यही प्रोसेस 2 से 3 बार करना है। इसमें तकरीबन 1 लीटर तक पानी जाता है। ये देखिए, हमने ग्राइंड करके फिर से पानी इसका निकाल लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर दिया है। और अब हम इसमें 1 कप तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, एक काढ़ी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी पत्ते, फ्रेश कड़ी पत्ते लेना है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, तेल गरम हो चुका है, इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और अब काढ़ी का मसाला डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा होममेड काढ़ी का मसाला है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी हो तो स्क्रीन पे इसका लिंक दिया हुआ है। इसको अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, स्लो आंच पे इसे भून लेंगे, नहीं तो मसाला जल सकता है। तो चलिए, अब इसमें हम हल्दी डालते हैं। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी हल्दी ज़्यादा ही होती है क्योंकि ये थोड़ा सा येल्लोइश रहता है। और डालते हैं मिर्ची पाउडर, हमने थोड़ा डाला है, पहले इसे मिक्स करके देखेंगे। अगर लगेगा तो बाकी का हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और अब अदरक लहसुन डालते हैं, बाकी बचा मिर्ची पाउडर भी डाल देते हैं, हरा मसाला पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा थोड़ा मसाला भून चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और जो हमने ग्राइंड किया हुआ खोपरे का दूध था, वो भी हम इसमें डाल देते धीरे धीरे करके। फ्रेंड्स, गैस की आंच एकदम धीमी होनी चाहिए,
और इसे अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे एक हाथ से हिलाते जाना है, नहीं तो गट्ठे पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये काढ़ी में हमने पूरा 1 लीटर जितना पानी यूज़ किया है। एक्स्ट्रा पानी हमें ज़रा भी नहीं डालना है। हमने 2 चम्मच नमक निकाला था, उसमें पूरा नमक गया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। फ्रेंड्स, हमने नारियल का दूध तो पूरा निकाल चुके, अब जो बचा हुआ जो नारियल है जिसमें से हमने पानी निकाल चुके थे उसको भी हम डाल देंगे। पूरा नारियल हम इसमें डाल देंगे जो ग्राइंड किया हुआ था। पहले हमने नारियल के दूध को डाले थे, फिर छना हुआ नारियल हमने डाल दिया है। तो चलिए हम इसमें चिकन डाल देते हैं और ये चिकन इसी के अंदर गलेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए पूरी चिकन डाल देते हैं। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें जो हमने गरम मसाला निकाला था वो भी इसमें डाल देंगे। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। अब इसमें धीरे धीरे उबाल आ रहा है। इसमें हम 1 चम्मच घोल के बेसन डाल देंगे ताकि इससे ये थोड़ा घट हो जाए। ये बेसन हम इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गए थे इसलिए अभी डाल रहे हैं। इसे अच्छी तरह डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे थोड़ा घट होगा, ये गाढ़ापन आएगा इससे। ये देखिए धीरे धीरे उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इसे हम ढक के 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो चलिए 20 मिनट हो चुकी है। इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम टमाटर जो बड़े कटे हुए थे, 3 बड़े टमाटर वो डाल देंगे और दही भी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा दही मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें जो पल्प लिए थे इमली का वो भी इसी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने पल्प और दही को लेट इसके लिए डाला है ताकि ये चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अगर हम पहले ही ये इमली और दही डाल देते तो चिकन चढ़ जाती थी, जल्दी गलती नहीं थी। इसके लिए हमने थोड़ा एंड में डाले। हमारी काढ़ी रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको ये मेरे काढ़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।